चलो जरूर। चलो पहले एक काम करते हैं, थीम वन और थीम टू का मतलब मैक्सिमम पार्ट हम लोग खत्म कर चुके हैं, उसमें ये जो बचा हुआ है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट जीएसटी, मैं इसके कंटेंट एक बार आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि कंटेंट में जो एक आइडिया लग जाएगा ना, उसके बाद फिर हम लोग, मैं थोड़ा दिखा लेता हूँ आज, उसके बाद फिर थोड़ा सा पढ़ा लूंगा। तो 2A2 में बजट टैक्सेशन वाला पार्ट है, इसके पहले हम लोग बजट वाला पार्ट थोड़ा सा पढ़े हैं, बाकी उसके बाद इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस है, दिख पा रहे क्या? उसके बाद इसमें जीएसटी, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कुछ है तो है जीएसटी का आईटीसी और एआईटीसी, और उसके बाद सेंटर का टैक्स सीजीएसटी और फिर स्टेट का ई वाला, ठीक है। सिर्फ अगर कंटेंट वाइज जाया जाए तो बड़ा आसान है ये, इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, तो ये तो मैं पूरा अच्छे से बताऊंगा, सारा कुछ ही अच्छे से बताऊंगा, लेकिन यहाँ जिम्मेदारी मेरी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। तो इसमें जीएसटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जीएसटी पे क्वेश्चंस एक दो आ जाते हैं, ठीक है, जो आसान होता है। जैसे आईटीसी पूछता है इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, क्या सुन पा रहे हो ध्यान से? तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिंपल मीनिंग होता है प्रभु, कि मान लो आपने, इधर ध्यान से समझना, कोई सामान परचेज किया, अभी के लिए समझना, और परचेज किया तो आप उस पर टैक्स दे चुके हो, ठीक है, लेकिन आप मान लो कोई और भी टैक्स अलग से भर रहे हो, मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब आप इनकम टैक्स भरते हो, आपने क्या किया, एक कार लिया, कार वाले ने आपसे एक्स्ट्रा पैसा लिया टैक्स के रूप में, वो कैसे होगा नहीं वो बात बताएंगे, और आप चाहते हो कि वो टैक्स का पैसा मेरे को वापस मिल जाए, क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी अलग से टैक्स भरता हूं। तो उसके लिए आप जाएंगे और वहां पे आईटीसी फॉर्म फिलअप करेंगे, आईटीसी फॉर्म में फिलअप करेंगे कि मैंने एक कार लिया, उस कार में मुझे एक्स्ट्रा 25,000 रुपया मेरे से लिया गया है, वो 25,000 रुपया वापस कर दिया जाए क्योंकि मैं इनकम टैक्स भरता हूं। कुछ समझ में आ रहा है? तो मोटा मोटा चीज जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब है कि जो आप दे चुके हैं उसमें है, बस एक आइडिया लेना है। उसी तरह से उसके बाद फिर जीएसटी के अंदर भी है कि सेंटर फिर किसकी चीजों पे किस तरीके से करता है, बहुत सारा ऐसा चीज है जिस पे जीएसटी नहीं लगता है, क्या सुन पा रहे हो? उसके बाद फिर पूरा का पूरा जितना भी ये टॉपिक रिलेटेड है ये जीएसटी पे रिलेटेड है, फिर यहाँ पे पैन वर्सेज जीएसटीआईएन कहीं मिलेगा, कहां मिल रहा है? पैन वर्सेज जीएसटीएन वर्सेज आधार। तो इसमें ज्यादातर पूछता है उसका डिपार्टमेंट या फुल फॉर्म, यूआईडीएआई का फुल फॉर्म पूछ लेता है, पैन का फुल फॉर्म कभी कभी बेसिकली पूछ लेता है, बहुत सिंपल है, पान का फुल फॉर्म पता है ना, पैन का क्या होता है फुल फॉर्म। तो उसके बाद अलग अलग लेवल पे काम पूछ लेता है, एईपीएस आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, ये तो पहले पढ़ाया हुआ आपको, अरे नाच वगैरह सब पढ़ाया था, नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस वगैरह, तो ये सारा कुछ है। जीएसटी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डिक्रिमिनलाइजेशन, इस पूरे टॉपिक में क्या है, जीएसटी है या फिर कुछ और भी है? जीएसटी है, और जीएसटी इसलिए इसमें डिटेल पूरा एक बार पढ़ लिए तो जीएसटी का मामला खत्म हो जाएगा, मेरी बात समझ में आ रही है? तो सारा फोकस जीएसटी पे है। अब मैं अभी सिर्फ दो काम कर रहा हूं, जो थीम है इसके आगे वाला मैं सिर्फ कंटेंट पहले एक बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या मेरी बात समझ में आ रही हो? और वहां से आप खुद देखकर यह एहसास लेना, थोड़ा टाइम जल्दी ही करेंगे, भले आज इस टॉपिक को थोड़ा ही शुरुआत करें, लेकिन पहले दिखाना है, आपको वहां से आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार ये मैं कवर कर लूंगा, ये आप बता देना, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो पहले ये थीम अभी आगे बढ़ाते जाते हैं, मैं फिर बार बार बोल रहा हूं सारा थीम आ जाएगा, लेकिन पॉइंट ये है कि जो जो आपको पढ़ने के लिए दिया हूं वो पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है जी? तो 2A2 है ये शायद, या 2A1 है, 2A2 होगा आई थिंक, क्योंकि 2A1 तो खत्म हो गया ना, तो 2A2 होना चाहिए, ठीक है, तो 2A2 है ये। तो 2A2 में लिख लेना कंटेंट में क्या है, 2A2 में जीएसटी पढ़ना है, ये लिख लेना क्योंकि ये काम आएगा आपको, जैसी अब नहीं तो ऐसे दिमाग में रहता है ना कि ये थीम पढ़ना है फिर वो थीम पढ़ना है, ऐसा टॉपिक याद रखोगे, 2A1 में बजट है, 2A2 में जीएसटी है, फिर उसके बाद 3A में मान लो ब्लैक मनी है, ये एक एक टर्म आपको बहुत काम देगा, उस तरह से याद रखना काफी आसान हो जाता है, क्लियर है? अब हम 2A2 के अलावा जो आपको दूसरा थीम दिखाना चाहते हैं वो जरा थीम देखना, सारा थीम पहले देख लेते हैं आज, ठीक है जी? अब 2A2 के बाद है 2B, और 2B लिख लेना खाली, ब्लैक मनी, सिर्फ पहले लिखते जाना पूरा का पूरा, आपको रिवीजन में आसानी होगा। तो इसमें जो पूरा अगर इसका कंड, क्या सब अलर्ट हो? पक्का ना अलर्ट रहना, अब जो भी है समझना। तो 2A2 में देखोगे तो इसमें थोड़ा सा फाइनेंस कमीशन का भी जिक्र किया गया है, ठीक है, फाइनेंस कमीशन, ब्लैक मनी, सब्सिडी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। तो इसमें आपको देखो वो फाइनेंस कमीशन का जिक्र है पूरी तरीके से, कि फाइनेंस कमीशन कैसे ऑपरेट करता है, और फाइनेंस कमीशन अलग अलग तरीके से भी काम करता है, इसके अंदर
फाइनेंस कमीशन का, प्लानिंग कमीशन का और नीति आयोग का कैसे बना, ये पॉलिटी में भी पढ़ाया हुआ हूं कि प्लानिंग कमीशन से कैसे नीति आयोग में कन्वर्ट हुआ, बट फिर भी यहां पे उसी का पूरा जिक्र है। फिर उसके बाद है फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग और भी सारी चीजों में डिस्कशन बार बार चलते रहता है, तो इसमें मैं बताऊंगा। जैसे एक है इसमें टैक्स इवेजन, मतलब टैक्स भी चोरी करते हैं। उसके बाद हम लोग आपको पढ़ाए थे, याद करिए मैंने बोला था कि हर कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे फेसबुक, ठीक है, गूगल, एप्पल और भी जो चार, क्या नाम था उसका, गाफा, तो गूगल, एप्पल, फेसबुक और अमेजोन, ये चार वैसे हैं कंपनीज जिन पे बाहर से, मैंने बोला वो ऐसे जगह पर रजिस्टर करवा लेते हैं जहां पे टैक्स कम होता है, और इस वजह से हम बोले कि नहीं भैया ऐसा नहीं हो सकता, आपको ये करना पड़ेगा, बोला था ना। तो मैंने बोला था पूरे वर्ल्ड में एक मुहिम चला, क्या कि इसके बाद से ये जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इनको इतना ग्लोबली मिनिमम टैक्स तो देना ही पड़ेगा चाहे किसी भी कंट्री में जाए, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो कुछ वैसा ही मीटिंग में हुआ। सिमिलरली यहां पे भी कुछ जैसा है टैक्स अवॉइडेंस, देखिए जरा DTA, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, आपको उसमें क्वेश्चन भी था, उस समय भी बताया था ये। उसी तरीके से बहुत लोग चोरी करने के अलग अलग, टैक्स बचाने के अलग अलग तरीके अपनाते हैं, उसमें एक आ गया ग्लोबल मिनिमम टैक्स, दिख पा रहा है, अरे हाँ है ना। तो सर ग्लोबल मिनिमम टैक्स वही है जो मैंने यहाँ देखो पीरियड सॉल्यूशन फॉर ग्लोबल मिनिमम टैक्स पढ़ाया था मैंने, कि ग्लोबली एक मिनिमम टैक्स हर कंपनी को इतना देना ही पड़ेगा चाहे वहां पे कुछ भी नियम हो या नहीं हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, उसके बाद अब वोडाफोन में कैसे हुआ था, कुछ इसमें प्रॉब्लम भी किया था क्या नैना जी, फिर वोडाफोन और आइडिया का कुछ गवर्नमेंट का चला था पंगा, ये सारा कुछ उसमें देखते चले जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद टेररिज्म, हैरेसमेंट और ग्लोबल टैक्स, यानी कि इसमें पूरा का पूरा जो है ब्लैक मनी और टैक्स के ऊपर सारा का सारा जिक्र है, तो ये भी आराम से अपना जो है देखें और इसको निपटाएंगे, ठीक है। अब इसके ने ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं टू बी वन होगा ये, इसमें सी भी होगा, जो टू बी है ना उसी में टू सी भी है, सब्सिडीज वगैरह उसी में आ जाते हैं, तो 2B और 2C में अलग अलग एक सब्सिडी और ब्लैक मनी का पार्ट हो गया। 2D जरा देखना, इसमें टर्म को समझना, डिसइन्वेस्टमेंट पढ़ाया नहीं पढ़ाया है, पढ़ाया है डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन भी पढ़ाया है और डिसइन्वेस्टमेंट भी पढ़ाया, दोनों पढ़ाया है मैंने, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये जो इसमें मेन चीज है वो है सिंपल एक चीज कि डिसइन्वेस्टमेंट टू डेफिसिट, सुन पा रहे हैं, बजट एंड स्कीम टाइम। तो डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या है कि कंपनी कैसे कैसे और सरकार कैसे कैसे अपने कंपनी को और अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनीज को, गवर्नमेंट कंपनीज को कितना बेच रही है, कैसे बेच रही है, ताकि उस बेचने के हिसाब से फिर क्या करे उससे उसको रेवेन्यू जनरेट हो। और मैंने बोला क्या सब सुन पा रहे हो, थोड़ा अलर्ट रहना, ठीक है। तो इस तरीके का जो है बेच कर और विनिवेश करके फिर कहीं और इन्वेस्ट करते, जैसे मैंने बोला था कि मान लो रिलायंस में कुछ शेयर है या फिर इंडियन ऑयल के कुछ शेयर है, गवर्नमेंट ने अपना कुछ शेयर बेच दिया, उससे जो पैसे है उस पैसे को कहीं और लगाया, फिर इंप्लॉयमेंट जनरेट किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट GDP बढ़ता चला गया, सब बताया हुआ हूं। तो इसमें ये देख लेंगे, बाकी इसमें जो चीजें हैं वो ज्यादातर पड़ा हुआ है और ज्यादातर पॉलिटी से रिलेटेड है, तो काम थोड़ा यहां आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बताता हूं आपको, देखो बजट, कैपिटल और रिसिप्ट, दिख पा रहा है, रिसिप्ट मतलब क्या होता है, इनकमिंग। तो सिमिलरली इसमें ज्यादातर जो भी चीज होगा बहुत वन लाइन का होगा, तो उसमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। अब मुझे जो बताकर खत्म करना है और शुरुआत करना है वो है अपना Theme 5, क्योंकि 6 के बारे में तो मैंने बताया हुआ है, 4 मैं बीच में आऊंगा, 3 बीच में आऊंगा, उससे पहले मैं आता हूं इस पे 5 पे। 5 का कंटेंट जरा देखना, बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत आसान भी है, ऊपर में ही लिखा हुआ है, ठीक है। पहला बात, इसमें सबका एक रफ आइडिया लेना है आपको, ये नहीं कि सारा का सारा आपको रट्टा मार लिए, ठीक है, तो सबको रटने की जरूरत नहीं है, कुछ बुझा रहा है, क्लियर कट बात है कि जितना पूछता उस हिसाब से चलिए। कंटेंट में जरा देखो तो क्या है, सीधा इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी और सड़क, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बिजली, पानी, सड़क ही आते हैं। रोडवे के लिए कौन सा मिनिस्ट्री चल रहा है, बिजली के लिए कौन सा मिनिस्ट्री चल रहा है, क्या क्या काम है, तो पहला जरा देखोगे तो इसमें बहुत आसान चीज है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम जब भी करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़े टर्म्स में होता है। जब आप रोड बनाओगे ना, तो रोड बनाओगे तो आपको ऑयल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ये सारा कुछ जो है इंटरकनेक्टेड है, इसके बिना काम नहीं हो पाएगा। तो वो सारा बेसिक रिक्वायरमेंट जो है, जैसे कोल माइनिंग है, स्टील के लिए है, फिर आपका अलग अलग जितने भी स्पेस, जितने भी सब कुछ आप सोच सकते हो, सारा कुछ
पूछा जाएगा, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। तो इस टॉपिक में ज्यादातर जो है वो आपको स्कीम्स मिलेगा, इस टॉपिक में टर्म्स नहीं मिलेंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल फिएट मनी और लीगल टेंडर की तरह यहाँ टर्म्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको डायरेक्टली बस एक बात समझना पड़ेगा कि हाँ ये जो देखो ट्रांसपोर्ट भी आ गया, अरे आया ना, तो ये थोड़ा ना कुछ समथिंग जो है बहुत थ्योरेटिकल पार्ट है, तो इसको आप पढ़ सकते हो, थीम फाइव आप पढ़ सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो थीम फाइव और थीम सिक्स तो आप निपटा लेंगे। अब हमारा जो मेन स्ट्रक्चर और फोकस रहेगा वो रहेगा, अभी आप सुनोगे थोड़ा देर न्यूज में किसान वाला फिर से सुनोगे, ठीक है। अब किसान वाला जब शुरू हो गया है तो उसके लिए एक कांड हमारे लिए हो गया है, और वो कांड जानते हैं क्या है, वो है हमारा 4A, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है एग्रीकल्चर वाला, क्योंकि 4A थीम जैसी बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर है, और एग्रीकल्चर सेक्टर में अब आपको MSP पूरा पता होना चाहिए, APMC पता होना चाहिए, और ये किसान आंदोलन, थैंक्स टू किसान आंदोलन आपका क्वेश्चन जो है बनेगा ही बनेगा, गारंटीड है, समझ में आ रहा है। तो थीम 4 हमारा पूरा एग्रीकल्चर पे है, एग्रीकल्चर के अंदर कैसे सारा डिटेल काम करता है वो हम लोग देख लेंगे, पूरा का पूरा APMC मंडी काम कैसे करता है, और उसके बाद वाटर स्कीम्स, फिर उसके बाद फर्टिलाइजर्स, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे चीज हमको देख लेने हैं। लॉजिक कहने का क्या है, अगर आप इकोनॉमिक्स ठीक से 9th-10th तक भी पढ़ोगे ना तो एग्रीकल्चर का मोस्ट ऑफ द पार्ट 9th-10th में कवर अप हो जाता है जो यहाँ पूछता है, बाकी उसके अलावा योजना अलग हो जाते हैं, बाकी उसमें और बहुत बड़ा जो है चेंज नहीं होता है, सेम रहता है उसको। जैसे डेयरी फार्मिंग है, डेयरी या फिजिकल्चर है, या फिर जो भी है हॉर्टिकल्चर है, सब कुछ जो है वही सेम रहता है जो आप पढ़े हुए। तो लॉजिक कहने का है, लिखिए जरा 5 और 6, ये दोनों पहले निपटाना है आपको, थीम 5 एंड 6, थीम 5 एंड थीम 6 निपटाना है। ठीक है, और थीम फोर में जो मैं पेज नंबर जहां से जहां तक बोल रहा हूं उतना आप निपटाइएगा, और वो पेज नंबर सिंपली लिखिएगा 600, एकदम बेसिक हड़बड़ाना नहीं है, 611 से लेकर, क्योंकि सब डिपार्टमेंट है इसमें आपको टेक्निकल चीज नहीं मिलेगा, 11 से लेकर आपको पढ़ जाना है 637, 611 से 637 लगातार पढ़िएगा, इसमें कुछ स्किप मत करिएगा। उसके बाद फिर लिखिए 642 से लेकर 642 से लेकर सबसे अब तो वाकिफ हो ना कि प्याज और कैसे, जो मैंने बोला था जो महंगाई थोड़ी बढ़ती है तो इंप्लॉयमेंट बढ़ता है कि घटता है, फ्लिप करके बढ़ेगा, तो ये जो बताया था सब याद रखिएगा। तो वहां से लेकर और पेज नंबर आपका पड़ेगा वो है 674, ठीक है। फिर से बोल देता हूं, फॉर्म आ चुका है, भर लीजिएगा सभी लोग, मैं बता देता हूं सभी लोग भर लेना, जिनको मन नहीं होगा वो भी भर लेना। कुछ लोग मुझे बाद में बोलते हैं सर इस साल नहीं भरे थे, तो हम बता दे रहे हैं गरिया देंगे कस के समझ लीजिएगा, जो मतलब कहने ये है कि फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। और मैं अभी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस साल सारे फॉर्म डाल लो, मैंने कितनी बार जिक्र किया है, इलेक्शन है, इलेक्शन ईयर है, बहुत सारे हर फील्ड में जिसमें कभी रोजगार नहीं मिला है उस फील्ड में भी रोजगार मिलेगा इस बार। और आप जितना पढ़े हुए हैं ना, अब वेट मत करिएगा कि आप जितना पढ़े हुए उसमें आपको रिविजन करके देना है, जो लोग को पढ़ा चुका हूं, तो आपका बस पूरा डिपेंड करता है कि आप रिविजन कितना कर रहे हैं, मिनिमम 3 घंटा 4 घंटा दे रहे कि नहीं, 3 घंटा 4 घंटा भी मिनिमम अभी देते जाओगे ना कॉन्टिन्यूस, ही नहीं कि 10 दिन दिए 15 दिन हो गए, लिख के दे रहा हूं आराम से निकल जाएगा, स्मूथली निकल जाएगा, और टेस्ट मारते रहो बस हो गया। तो फॉर्म सारे भर देना, जो जो नहीं सोचे हो ना वो सारा डाल देना, क्योंकि वैकेंसी फिर 2025 से 2028 तक आपको नहीं मिलेगा, फिर बात समझ में आ रही है, क्योंकि 25 से 28 तक जिसको सरकार में आना है वो आ चुका है, जिसको जो बोलना है वो बोल दिया है। तो UPSC तो हर साल वो फिक्स है, वो तो चलता रहेगा, बाकी और सारी, अब जैसे देखो इस साल EPFO का एग्जाम हुआ, EPFO का पिछले 4 साल 5 साल से एग्जाम नहीं हुआ था, EPFO का इस साल मतलब 2023 के लास्ट और एंड तक वो अक्टूबर नवंबर तक वो पेपर हो गया, समझ में आ रहा है। टीचर का वैकेंसी कभी नहीं निकला था, भतेड़े हो गया, मतलब भतेड़े कह लो, गधेरों कह लो, जो कह लो, उस तरह से भीड़ बढ़ गया। सिमिलरली ऐसे ऐसे एग्रीकल्चर फील्ड में आए हैं जॉब जो कभी नहीं आए हैं,
और ये भी लिख लीजिएगा काम कि इलेक्शन खत्म हुआ उसके बाद नेता भी नहीं आएंगे और जॉब भी नहीं आएगा। तो लॉजिक है भैया, फिर बोल देना अभी बहुत सारा फॉर्म निकलेगा, जाके सरकारी एग्जाम पे या जहां भी पोर्टल पे एक बार चेक कर लीजिएगा। सरकारी एग्जाम जो वेबसाइट है वो बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेट करता है, पूरा डिटेल आ जाता है उसमें। तो सारा फॉर्म जो उससे रिलेटेड है डाल लीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि हम इसको छोड़ देते हैं उसको कर देते हैं, क्योंकि अब आप पढ़ चुके हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपका टारगेट यूपीएससी पे रहते रहना चाहिए, आप यूपीएससी का सिलेबस रिवाइज करते रहो, छोटे मोटे एग्जाम्स अपने आप जो है उसके हिसाब से कवर अप होते चले जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो भैया भर के रख लीजिएगा, मेरा यहाँ से काम जो है क्लियर, मैं बोल चुका हूँ। अब आप नहीं भरेंगे तो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप भर कर फ्री हो जाए, नहीं तो आपको तकलीफ हो जाएगा। तो ये काम जो है आप कर लीजिएगा, और उसके बाद बाकी के जो आगे का पेज नंबर है इसमें, इस बार चूंकि स्वामीनाथन को मिला है भारत रत्न, ध्यान में होगा आपको, तो इसलिए इस बार एम एस स्वामीनाथन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आपके बारे में जानना। तो पेज नंबर लिखिए जो आप पढ़ेंगे वो लिखिएगा 6, कहां तक लिखवा हूं 78, 670 कहां तक लिखवा हूं 74 तक। हाँ तो 74 से 8 लिखी लो, और 8 में भी स्वामीनाथन लिख लेना जरूर, क्योंकि इस पे तो भैया पूरा डिटेल पूछेगा कि स्वामीनाथन तमिलनाडु के थे, ठीक है, फिर कहां से क्या हुआ कैसे हुआ और सारा कुछ। तो ये जो उनका डिटेलिंग है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। तीन आदमी को मिला, ये क्वेश्चन तो आएगा इस बार, इस साल कितने लोगों को भारत रत्न मिला है? 5 लोगों को। तो ये क्वेश्चन तो, ये तो पॉपुलर हो गया इसलिए आ गया, है ना, पॉपुलर हो गया इसलिए आ गया। और भारत रत्न जिसको मिले और वो पॉपुलर ना भी हो, इसमें तो ये भी तो शर्मिंदगी की बात है कि देश का सबसे बड़ा अवार्ड मिला हो और किसी आदमी को पता नहीं चला हो कि अवार्ड मिला है, कुछ बुझा रहे। तो उन पांचों का नाम जुबान पे रहना चाहिए और उन पांचों के बारे में पता होना चाहिए कि किस किस फील्ड में मिला है, ये दिमाग में रहना चाहिए। नहीं कि एम एस स्वामीनाथन के पूछ दिया, कहते ना कि क्रिकेट सेक्टर में बहुत बढ़िया योगदान दे दिए थे, आप समझ पा रहे हैं, इसीलिए वो ध्यान रखिएगा कि वो पता होना चाहिए, नहीं तो जो है काम खराब हो जाएगा। हाँ, एक साल में 3 ही आदमी को मिलता है प्रभु, ये नियम है भारत रत्न का। हालांकि देखो ये सब बताने में मैं इंटरेस्टेड हूँ नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल हार्डकोर फैक्ट है वो वाला, ये आप कहीं भी चलते फिर तो सुन लेंगे, फिर भी पूछे हैं तो बताते हैं। एक साल में 3 आदमी का नियम है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, वो जानबूझ के खेला कर देती है। खेला ये करती है कि 2023 का एंड मोमेंट पे मान लो एक साल में 3 होना था, कभी तक दिया नहीं, इलेक्शंस के करीब आने वाला था तो 2 आदमी या 3 आदमी को उस साल अनाउंस कर दिया। अब 2023 के 9, आप सोचो उस दिसंबर जनवरी में ही क्यों किया, और फिर नेक्स्ट ईयर आते आते फिर अनाउंस कर दिया। ये इसलिए भी किया जाता है तिगड़मबाजी कि अनाउंस पहले कर देते हैं और ईयर बता देते हैं कि उनको उस ईयर में मिलेगा, तो अनाउंसमेंट हो जाता है। और उसमें गवर्नमेंट जानबूझ के करती है सिर्फ तभी जब इलेक्शन होने वाला होता है, इसके पहले आज तक शायद ही कभी हुआ है, शायद ही कभी होगा, लेकिन इलेक्शंस के समय वो जानबूझ कर किया जाता है। क्यों? सबको खुश रख दिया जाए, मामला आसान हो जाए, और आम आदमी को कभी पता नहीं हो कि 3 आदमी को मिला कि 5 आदमी को, आम आदमी खुश है कि सब उड़ा के मिला था। तो 5 आदमी को मिला है, उसके अपने जाति के किसी आदमी को मिला वो खुश है, कर्पूरी ठाकुर को मिला, कर्पूरी ठाकुर के सारे जो उस बैकग्राउंड के जितने भी लोग सब खुश है, समझ में आ रहा है। फिर उन्होंने कांग्रेस के प्रधानमंत्री को दे दिया, क्या नाम बताओ, अभी किसको, अभी अभी 5 आदमी का नाम आपको याद होना चाहिए, चलो एक मिनट रुक जाना, किसको 5ों का नाम याद हो पहले हाथ खड़ा कर, तो भीड़ में हो जाएगा, ऐसे बोल देंगे तैसे कर लेगा, याद है किसको तो हाथ खड़े करो, अभी देखो सब बोला था जैसे ही पूछा किसको तो 1-2 ऐसे फिर हाथ खड़े हो रहे हैं, यही होता है कमाल, ठीक है। और ऑप्शन आते हैं जब उसमें ना नाम तो वहीं पर आता है, स्वामीनाथन का हरिनाथन वही होता है, क्योंकि ऑप्शन क्लियर होता नहीं है, ठीक है। 5ों आपको याद है ना, इधर सब यहाँ तक खड़ा हुआ था, अच्छा ठीक है बताइए। हाँ अरे सीवी रमन को कहाँ ले गए, चलो बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, एटलीस्ट कोई बात नहीं, एटलीस्ट 4 को याद है ना भाई, नरसिम्हा राव को भूल जाइएगा ना तो दिमाग जो है ना हिल जाएगा, नरसिम्हा राव का कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा है। और ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक तो 2 ही लोग है, कर्पूरी ठाकुर और नरसिम्हा राव, बाकी लोगों तो मनाने का है, लाल किसान को दे दे के चल रहे खुश रहो खुश रहो, समझ में आ रहा है। तो इसलिए 5ों का नाम आपको याद रहना चाहिए, मैं पहले बता देता हूँ। आईआर में नरसिम्हा राव के बारे में पढ़ाया नहीं पढ़ाया या क्या किया नहीं किया कोई मतलब नहीं है, दिमाग में रखना चाहिए कि उन सब के बारे में जिनको मिला है भारत रत्न, एक डिटेल एक शॉर्ट नोट्स तैयार करके रख लीजिएगा कि हाँ ये था ये था ये था, समझ में आया, बात खत्म। तो सर इधर ध्यान से देख लीजिए, एग्रीकल्चर सेक्टर इंपॉर्टेंट हो जाने के पीछे 1-2 कारण है और वो 2 कारण आपको पता है। अब हम इसके नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं,
जिसमें आपको ये वाला नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, ये लगभग मिलता जुलता है कुछ वहां से, जो जो थीम हम लोग 5 में देखेंगे। तो इसमें प्लानिंग इकोनॉमिक सिस्टम, इसमें जरा टर्म देखना, एक बार देख लो भैया, उसके बाद खत्म करना। पहले 5 साल का प्लान चलता था तो कौन सा कमीशन चलता था? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन में पहले जैसे अभी बजट आ रहा है साल में, तो पहले जो बजट आता था वो बजट 1 साल के लिए होता था, कि 5 साल के लिए, 5 साल के लिए, कि अगले 5 साल में हम ये करेंगे, ये पैसा यहाँ खर्च होगा, वो खर्च होगा। प्लानिंग कमीशन को खत्म किया गया, मोदी जी आए और प्लानिंग कमीशन को हटा दिए, और हटाकर एक नया कमीशन बना जिसका नाम है नीति आयोग। और नीति आयोग का फुल फॉर्म मतलब याद नहीं रहता है, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये पूछता है बार बार। और नीति आयोग के हेड होते हैं प्रधानमंत्री खुद। तो इसीलिए एक दो हार्डकोर फैक्ट्स जो है वो आपके दिमाग में रहना चाहिए, तो काम आसान हो जाएगा। तो इस पूरे में सिंपल सा अगर जिक्र करोगे तो एक आपको नीति आयोग का जिक्र है, और उसके बाद प्लानिंग कमीशन के बाद इंप्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या असर पड़ा है उसी का जिक्र है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। तो ये भी थीम जो है आसान है, ये अपन देखेंगे जरूर, लेकिन आसान है। अब हम दो काम करते हैं, एक आदमी अगर कोई नोटिफिकेशन भेजेगा तो मैं नोटिफिकेशन भी बता ही लेता हूं, क्योंकि काम थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है ना उसमें, या फिर अगर बोलिएगा तो अलग से बता दूंगा, बता ही लेता हूँ, ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि 2024 वाला जो नोटिफिकेशन है थोड़ा सा डरावना तो है। 24 में जो अभी अच्छे से पढ़ लेगा, 25 उसका बहुत आसान हो जाएगा, और 23 में जो अच्छे से पढ़ेगा उसका 24 आसान हो जाएगा। कहोगे सर तो ठीक है ना, वो तो जिस साल पढ़ेंगे उस साल अगले साल आसानी हो जाएगा, उसमें दिक्कत क्या है? लेकिन दिक्कत है, बताते हैं दिक्कत क्या है, कुछ लोगों के लिए दिक्कत है, डरने की जरूरत है। चलिए, कोई आदमी सेंड करता ना तब ओपन हो जाता है, आई थिंक ब्लूटूथ से अगर सेंड करते तब दिखाने में आसान हो जाता, फिर हम लोग आराम से 282 थोड़ा पढ़ लेते और फिर कल कर लेते हैं। एक बार ब्लूटूथ ऑन, ब्लूटूथ से भेजिए एक बार, मैं ब्लूटूथ ऑन करता हूं। मैं जब बोलूंगा ना तब वहां से सेंड करिएगा, ठीक है? फाइल ओपन है? ओपन है ये नहीं हो क्यों? तू कर, तू करके चक्कर में कोई ना कर, ठीक है? नहीं नहीं अरे ग्रुप में गया हुआ है ना, एक ग्रुप व्हाट्सएप पे एक आया हुआ था कल नोट। अच्छा रुकिए बताते, एक सेकंड। हाँ उसमें होगा डेस्कटॉप टीवीएस करके होगा, उसको रिफ्रेश करिए, मिलेगा डेस्कटॉप। हाँ शायद आ तो गया था। अच्छा भेजे कौन? अच्छा ठीक है, किसके पास चला गया? अच्छा अच्छा एक सेकेंड। हाँ अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। वन प्लस नॉर्ड किसका है? वन प्लस नॉट से आ रहे। बहुत बढ़िया, किसी और को भेज दीजिए। कुकर मेरे से आ रहा है। हाँ अभी आ रहा है, रुक जाइएगा, अभी कैंसिल मत करिएगा, आई थिंक आ ही चुका है थोड़ा बहुत बाकी। अरे अच्छा यूपी पीसीएस का फॉर्म जब आएगा आप लोग डाल दीजिएगा, सभी लोग यूपीपी, मैंने तो बोल ही दिया है सारा फॉर्म डालने के लिए, तो डाल ही लेना, और मेंटली प्रिपेयर हो जाना कि सब पेपर दे देना है,
सारे पेपर मेंटली बिल्कुल नहीं, बस जो मैं पढ़ाया हूँ आराम से एकदम धूमधाम से एग्जाम दे दीजिएगा। रिजल्ट क्या क्या? हाँ उसका रिजल्ट का छोड़िए, अभी बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं, तो अब यूपीपीसीएस वो एग्जाम निकाल सकता है जिसका यूपीएससी का तैयारी ठीक हुआ, वो आराम से निकाल लेगा। कुछ चीजें 10-15 क्वेश्चन छोड़ दिया जाए तो फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। अभी जनरल डिस्कशन बस खाली कर रहे हैं। चलो देखते हैं, पीडीएफ आ गया है आई थिंक। जो लोग फर्स्ट सेकंड ईयर में हो वो लोग और अलर्ट रहना। फॉर्म क्या क्या फॉर्म भरने के समय नहीं काउंट होगा, काउंट ही नहीं होगा, वो एक्सेप्ट करेगा तब ना, भरने से नहीं होगा। मैं बता देता हूँ, काउंट तब होता है जब आप पेपर फॉर्म भर दिए और आप पेपर देने चले गए और वहां अटेंडेंस बन गया, मतलब कि नहीं 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 काउंट होगा। फॉर्म जैसे सिर्फ अगर आपने फिलअप करके छोड़ दिया, आप पेपर देने नहीं गए, अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। फिर से बोल दे रहा हूँ लास्ट पर, दोबारा क्यों रिपीट करूंगा, जो बोलूं वही बाल की खाल नहीं निकालने। अटेम्प्ट काउंट तभी होगा जब आप दो पेपर होता है, एक जीएस वाला एक सीसेट वाला, एक ही दिन होता है। तो आप पहला जीएस का पेपर होता है तो आप जीएस के पेपर में एंट्री मार दिए और एंट्री मार के आपने अटेंडेंस दे दिया, बाहर निकल गया, आपने सीसेट पेपर नहीं दिया, तब भी आपका अटेम्प्ट काउंट होगा। तो बस आप एंट्री मारे तो फॉर्म भर के छोड़ दी, कोई दिक्कत नहीं है, मजे लेते रहो। 20 साल खाली फॉर्म ही भरना, पेपर देने मत जाना, एक भी अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। तो समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट आते हैं। ये जो नोटिफिकेशंस है, इस नोटिफिकेशंस के अंदर कुछ मजेदार चीजें तो हैं, ठीक है। तो पूरा पढ़ने अपन बैठेंगे नहीं, आपसे निवेदन है कि इसका ज्यादातर चीज जो समझने वाली बात है, कब का डेट है, अगर ध्यान से देखिएगा तो एग्जामिनेशन का नोटिस नंबर ये कुछ है, डेट है 14/2/2024, लास्ट डेट इस फॉर्म भरने का आपका टाइम है 5 मार्च, ठीक है। वेट मत करिए कुछ लोग 5 मार्च, क्योंकि 5 मार्च के चक्कर में बर्बाद हो जाता है मामला, मैं बता देता हूँ, ठीक है। और साइट अप एंड डाउन होता है, तो कोशिश करिएगा पहले ही दिन भर दें। तो कल पहला दिन शुरुआत हुआ तो भर दीजिए, उसमें बहुत फायदा हो जाता है। अरे कम से कम वही एक्साइटमेंट रहता है, दिल्ली में लोग फॉर्म भरने के लिए यूपीएससी के कमीशन के पास जाता है, वहां जाकर फॉर्म भरता है, जबकि अब ऑनलाइन हो सकता है, उसके बावजूद भी सब मिल के जाता था वहां पे कि नहीं चलते हैं धौला कुआं, वहां जाए यूपीएससी का पूरा माहौल, वहां जाकर भरते हैं लोग, और माहौल देखने के इसलिए कि भाई कितना जन आया है, तो उस तरीके का एक्साइटमेंट है, तो क्या दिक्कत है, अच्छा एक्साइटमेंट है, वो बुरा एक्साइटमेंट नहीं है, तो कर सकते हैं। दूसरा वेबसाइट भी है, सब कुछ है, तो आप अपना डेट याद रख लीजिएगा और फॉर्म भर लीजिएगा। अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट जरा देखिए, एलिजिबिलिटी के लिए मैं अभी पढ़ाने वाला नहीं हूं, सिंपल दिमाग में रखना है ग्रेजुएशन होना चाहिए बस, और चरवाहा विद्यालय से नहीं होना चाहिए, मतलब एक जेन्युइन विद्यालय से होना चाहिए, आप समझ पाए, जिस भी ग्रेजुएशन फील्ड जिस जहां से है वहां से बस एक जेन्युइन होना चाहिए, बाकी इसके लिए ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। कुछ इसमें है मॉडिफिकेशन इन ओटीआर प्रोफाइल, ये उनके लिए है, देखिएगा ध्यान से, मैं चाहता हूं कि इसको पढ़ो एक बार 30 सेकंड के लिए, मैं चाहता हूं 30 सेकंड के लिए पढ़ो, थोड़ा सा जान लोगे तो ठीक ही है। तो आपसे निवेदन ये है, इसका मतलब कि बहुत लोग मजे मजे में धनाधन फॉर्म भर देता है, कुछ भी ध्यान देता नहीं है, कहता है फिर मॉडिफिकेशन कर लेंगे, क्योंकि मॉडिफिकेशन के लिए आता है, तब इस यूपीएससी इस पे बड़ा सख्त जो है रूल किया है, वो नहीं सिर्फ एक बार बल्कि लाइफ टाइम के लिए वो उस तरीके से अप्लाई कर दिया है कि आप पूरे लाइफ टाइम में 5 अटेम्प्ट मान लीजिए दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अटेम्प्ट है क्या, 5 अटेम्प्ट मान लीजिए बोला या 6 अटेम्प्ट बोला कि लाइफ टाइम में 6 अटेम्प्ट जनरल वाले के लिए 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। अब सर वो बेसिकली लाइफ टाइम है नहीं, वो तो एक एज तक ही है ना कि 30 साल तक 32 साल तक आप दे सकते हो, कहने के लिए तो बोल सकते हैं, फिर भी लाइफ टाइम तो हुआ ही कि 40 साल में दोगे कौन। तो लॉजिक वही है कि जो फॉर्म भरे उसमें बढ़िया से कर लेना, कुछ कुछ बातें ध्यान में रख लेना जो मैं बता देता हूं। फॉर्म भरते समय कुछ आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, हो रहा हो तो मैं पहले बता दूं, उसमें फॉर्म भरने के लिए पूछेगा कि पेपर ए का मीडियम क्या है, जैसे टोटल सब्जेक्ट जो है मैंने बोला 1 से लेकर 4 तक, ये जीएस का पेपर है, 1 to 4 क्या है जीएस, तो जीएस का पेपर है, मान लो इंटरनेशनल रिलेशंस पॉलिटी वगैरह सारा डिटेल इसमें आ गया,
इसका माध्यम क्या है वो देख लेना। तो मान लो जिसका पूरा हिंदी है तो हिंदी डाल लेना, तो 1-4 अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश डाल लेना। और उसके बाद पूछेगा पेपर पांचवा और छठा के लिए लैंग्वेज मीडियम, पांचवा छठा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो अगर आपका हिंदी ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो ऑटोमेटिक लैंग्वेज क्या हो जाएगा, इंग्लिश की हिंदी, हिंदी हो गया, और इंग्लिश है तो इंग्लिश हो जाएगा। अब फिलोसफी डाले हैं तो फिलोसफी अगर हिंदी में लिखिएगा कि इंग्लिश में लिखिएगा, वहां पर फिर आपको लैंग्वेज मीडियम डालना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रहा है? और दूसरा इसके अलावा पूछेगा पेपर फॉर लैंग्वेज मीडियम अदर देन, मतलब ए के लिए, मतलब मैंने बोला कि इंग्लिश का भी पेपर क्वालिफाई करना होता है और हिंदी का भी पेपर क्वालिफाई करना होता है, अब दोनों भाषा का पेपर क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो जब भी पेपर ए के लिए पूछे तो वहां हिंदी डाल देना, किसी को उर्दू अच्छा आता है या संस्कृत अच्छा आता है तो संस्कृत डाल देना, बट मुझे नहीं लगता है कि इतना बेहतर होगा, तो कोशिश करिएगा हिंदी ही डालने। क्लियर? वहां पे कंफ्यूजन होता है 3-4 जगह, ठीक। अब इसके अलावा बाकी जितना भी फॉर्म डिटेल आएगा वो सिंपल होता है, नाम पता फलना ठिकाना, वाइफ का नाम, हस्बैंड का नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, डिटेल डाल सकते हो, फोन से भी फिलअप कर सकते हो। जहां कहीं डाउट लगे तो भर लेना, सिंपल याद रखना कि फॉर्म भर लेना। अब इसमें एक आता है IFOS वाला, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाला। तो फॉरेस्ट सर्विस में होता है कि वहां पूछेगा कि क्या सिर्फ सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए देना चाहते हैं फॉर्म, तो मैं बोलूंगा अगर कि पहले सिविल सर्विसेज के लिए ही भर लेना, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं फॉरेस्ट सर्विस में भी तोड़ देंगे, जैसे जेई के समय पेपर होता है तो जेई में कुछ लोग बायोलॉजी भी ले लेते हैं, मैथ और बायोलॉजी साथ ले लेते हैं कि नहीं हम तो 30 मार्क हैं गर्दा उड़ा देंगे। मैं एक बात बता रहा हूँ, और जेई में एक आर्किटेक्ट का भी पेपर होता है, आर्किटेक्ट का पेपर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, प्रीलिम्स मेंस वैसा ही होता है, मतलब थोड़ा डिफरेंट आगे हो जाता है, तो सब लोग सोचता है दोनों भर देते हैं। प्रीलिम्स जो कि फॉरेस्ट सर्विस का और इंडियन जो IAS एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एक ही होगा, लेकिन मेंस दोनों का अलग अलग होगा, इंटरव्यू दोनों का अलग अलग होगा, और ऑप्शनल दो लेना पड़ता है फॉरेस्ट विभाग में, और ऑप्शन होता है उसमें केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, केमिकल, ये सब ऑप्शंस होते हैं। समझ में आ रहे हैं? तो भैया अगर भरना चाहो तो भर देना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भरना चाहो तो तुम्हारी मर्जी है। तो अगर आप मेरे से राय पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा कि पहले सिविल सर्विसेज का प्रीलिम से खाली भरिए। समझ में आ रहा है? इस एग्जाम के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे दो एग्जाम दिमाग में जाएंगे लगेगा हम दोनों उड़ा देंगे, वो उड़ाने वाला साइड रखिएगा, ठीक है, ना इधर करिएगा ना उधर, इसीलिए कर लीजिएगा तो काम आसान हो जाएगा, ठीक है जी। और आप लोगों को मैंने पहले भी बोला था कि 16 से 20 तारीख के बीच में मैं लूंगा टेस्ट, तो आप लोग रहिएगा अलर्ट, मैं एक बार रिमाइंड करवा दे रहा हूँ, आप अलर्ट रहिएगा, बाकी मन हो तो ठीक है, नहीं मन हो तो आपका है, बट मैं चाहूंगा कि टेस्ट दें, आप रिवाइज किए हो तब भी, नहीं किए हो तब भी। क्लियर है जी? अब बाकी इसके अलावा मोबाइल फोन बैंड और ये सब तो इतना कॉमन सेंस तो आपके पास भी है ना, ये आप इतना समझ ही लेंगे। बहुत लोग लेके चल जाते हैं, सेल्फी लेने लग जाते हैं एग्जाम में। अब इसमें कुछ सर्विसेज के नाम है, ये सर्विसेज ये सब तो भैया मसाला है, यूट्यूब का है और सारा कुछ, मैं बस बोलना ही चाहता हूँ कि घबराना मत कि आपको IAS वाला में इतना, जो 25 और 26 जो सर्विसेज आगे आपको चलकर और मिलते हैं, तो आप भैया सिर्फ क्वालिफाई करने का सोचो, रैंक उंग मत सोचो, आपको बहुत बढ़िया बढ़िया विभाग मिलेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो ये पूरा का पूरा सेक्टर है, बाकी इसके अंदर भी प्रेफरेंस DAF में पूछेगा, प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा, प्रीलिम्स में काय का पूछेगा, काय का लोड बढ़ाना, जब मेंस निकालिए तब इंटरव्यू में भरिएगा तो पूछेगा क्या चाहते हैं। अब मान लीजिए आपका शादी, अभी शादी का कोई अता पता नहीं है, और आप मान लीजिए 12-13 साल के हैं, और आपसे पहले ही पूछा जा रहा है कि कैसा लड़की चाहिए, तो फालतू का क्यों टाइम वेस्ट करना है, मतलब सीधा से बात है भाई, पहले तुम 18+ तो कम से कम मिनिमम क्रॉस करो, और 18+ क्रॉस करने के बाद जब एलिजिबल हो तब पूछा जा सकता है कि बताओ कैसा चाहिए, बकचोनर चाहिए कि क्या चाहिए नहीं चाहिए। तो लॉजिक ये है कि सर इधर ध्यान से देखना, प्रीलिम्स में बहुत पहले जब फॉर्म का पोर्टल खुलता था तो उसमें सारा डिटेल पहले ही मंगा लिया जाता था, लेकिन लोग उसका जो है उनको खुद ही पता नहीं चल रहा था, प्रीलिम्स देता नहीं, हम निकली के निकला पता नहीं क्या, सारा डिटेल करा, अभी ये चाहिए, ये भी तो है, लोग भी तो यही सोचता ना बच्चा भी सर डिटेल, इसलिए प्रीलिम्स के बाद जो मेंस होता है, मेंस के समय आपसे प्रेफरेंस पूछा जा सकता है, और मेंस के समय अगर नहीं पूछा जाएगा तो गारंटी है कि मेंस निकाल लीजिएगा तो आपको तो सारा डिटेल और कुंडली भरना ही पड़ेगा। तो भगवान करे कि कुंडली आप भरे, मैं चाहता हूं कि भरे, 2024 मेरे लिए भी मंगलमय हो और आपके लिए भी हो। अब इसमें एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह का बात दिया हुआ है, भाई मैं ये बताने वाला हूं नहीं, बिहार में दो जगह सेंटर होता है, एक वो पटना एक वो गया,
इसके अलावा कहीं नहीं होता है। तो कोई लगे कि मुझफ्फरपुर दे दी तो कितना बनिया रही मोतिया समझ में आ रहा है, तो भैया जो दिया है उसी में से भर लीजिएगा, दूसरा और कोई ऑप्शन ऑप्शन नहीं है, क्लियर है जी। बाकी इसके अलावा कहीं और घूमने उमने का मन हो तो घूमते रहिए जीवन भर, लेकिन मैं कहूंगा कि अभी पेपर दे लीजिए घूम लीजिएगा बाद में, समझ में आ रहा है। अगर आपका फुआ नाना काकी जो बहुत सालों से बुला रहे हो गलती से और आप नहीं जा नहीं गए हो, तो आप उनको बोलिए कि फुआ हम तुम्हारे लिए ही आ रहे हैं और फॉर्म भर के वहीं सेंटर डाल दीजिए, समझ में आ रहा है, वहां पे जाइए मिल भी लीजिए एग्जाम देके आ जाइए, बस देखिए कि फुआ कहीं पढ़ने ना दे इस तरह का सिचुएशन ना हो, रिवीजन करने के लिए होना चाहिए। एलिजिबिलिटी कंडीशन में बस आप नेपाल के होने चाहिए, भारतीय हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको, ठीक है। भूटान का होने चाहिए, हाँ इसमें जो मुझे बताना है वहां तक मैं आ जाऊंगा, मजे मजे में आ जाऊंगा वहां तक पहुंच जाऊंगा। अब इसमें बहुत लोगों ना डेट ऑफ बर्थ और ये फलंग वगैरह घूमने लगते हैं कि क्या है क्या नहीं है, भैया कुछ उस दिमाग में मत रखिएगा क्या है डेट ऑफ बर्थ और नहीं, उसमें ऑटोमेटिक एक्सेप्ट कर लेता है वो, ठीक है। सिंपल सा बात है कि आप 21 साल के होने चाहिए जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उस दिन तक, अगर उस दिन भी आप 21 साल के हो गए तो फॉर्म भर लीजिएगा, नहीं हुए हैं तो फिर रुक जाइएगा एक साल बाद फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। जहां तक बात है कैटेगरीज का, तो कैटेगरी आप वहां पे स्पेसिफाई करेंगे उस हिसाब से आपसे ऑप्शन पूछ लेगा। ओबीसी में भी क्रीमी लेयर होता है नॉन क्रीमी लेयर होता है, तो आपसे निवेदन है कि सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, पहले इसलिए बोल देना हो क्योंकि आपको उसमें जब बेनिफिट थोड़ा मिल रहा है तो बनवाने में क्या ही दिक्कत हो, बनवा के रख लीजिएगा। अब आते हैं इस पे, जरा इसमें देखना कुछ आपको चेंज मिलेगा। यहां देखना जो यहां पे मेन एग्जामिनेशन दिख रहा है, मेन एग्जामिनेशन, अरे देखो पगले देख लो देख लो, तो प्रीलिम तो अलग है, मेन एग्जाम देखना क्वालिफाइंग पेपर ए और पेपर बी दिख रहा है, तो पेपर बी तो सबके लिए कंपलसरी है, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इंग्लिश में उसको क्वालिफाई मारना है, समझ में आ रहे, और बहुत आसान रहता है यकीन मानिए बहुत आसान, टेंथ लेवल से भी नीचे रहता है। पेपर ए में आपको कोई एक लैंग्वेज चुनना है जो कि भारत के शेड्यूल 8 में रखा हुआ है, तो आप उसमें से हिंदी चुन सकते हैं, भोजपुरी चुन लीजिए चाहे, हालांकि भोजपुरी पे डिबेटेबल है मामला, संस्कृत उर्दू जो मैंने चुन लीजिए, मेरे बात समझ में आ रही है। और मार्क्स जरा देखो क्यों जानबूझ के दिया है 300 और 300, ठीक है, और 300 में सिर्फ क्वालिफाई करना है। आप सोचो ये चाहता तो 200 का ले लेता या 100 का लेता, मेरे बात समझ में आ रही है, 300 का ले रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन भी ज्यादा होंगे, मतलब एक एक जो पहलू है और अलग अलग डायमेंशन मिलेंगे, भाई कम से कम 300 में तुम्हें कुछ तो आता होगा कि हरामपुर क्वालिफाई कर जाओगे, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, तो चाहता है कि आपको दोनों क्वालिफाई करें, इसलिए बर्डन नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये आसान तरीका है कि भैया आपको पूरा सहूलियत दिया जा रहा है, तो इंग्लिश का पेपर या हिंदी का पेपर क्वालिफाई, अच्छा जो लोग खाली इंग्लिश में खाली किए हैं उनके लिए टफ हो जाएगा हिंदी का पेपर जो ज्यादातर, बट मुझे झूठ लगता है, सिवाय थोड़ा सा साउथ इंडिया ने वाले हिस्से को छोड़ दें तो झूठ लगता है, क्योंकि जो आदमी जो बहुत जन ही बोलता है कि हमको नहीं पता चलता है नवासी क्या है, दो बार खींच के पीछे मारो उसको समझ में आ जाएगा, वो नौटंकी कर रहा है, समझ में आ रहा है, नौटंकी कर रहा है कि नहीं हम सीबीएसई से पढ़े हैं इसलिए नौटंकी करे, वो नासी समझ में नहीं आता इनको, दो तबड़क दो समझ में आ रही। अब भैया जिसको जेन्युइनली कभी समझ में नहीं आता उसका बात अलग है, लेकिन ज्यादातर लोग नौटंकी करते हैं, क्योंकि जो इंग्लिश सीबीएसई से पढ़ा हुआ है उसका हिंदी परफेक्ट होता है भाई, ये सच बात है, वो जितना अच्छा इंग्लिश में उतना अच्छा हिंदी में हो, अनलेस एंड अंटिल वो अपना इंटरेस्ट गैप ना कर दिया हो, अब उसको नौटंकी नहीं करता ना, हम हिंदी में लिखेंगे, वो जानबूझकर नौटंकी करता है, लेकिन अगर उसको लिखने को दिया जाए तो इतना बढ़िया निबंध लिख देगा कि फिर और कोई नहीं लिख पाएगा, लेकिन चूंकि वो अपने आप को इससे हटा लेता है शो ऑफ के चक्कर में, तो शो ऑफ का चक्कर करिएगा तो खैर लाइफ में हर जगह बर्बाद होइएगा, यूपीएससी का लिए छोटे मोटे एग्जाम बर्बाद कर देगा आपको। तो 300 और 300 इसमें से इंग्लिश एक हिंदी, बात खत्म। इधर देखिए अब बाकी का आपको बताना नहीं है, पेपर वन से लेकर फोर तक लैंग्वेज जो भी चूज करिएगा 250 का, और बाकी पेपर 5 और 6 के लिए 250 का सब्जेक्ट जो चूज करिएगा सो कर लीजिए, बात खत्म, क्लियर है। इसमें बताना कुछ ज्यादा खास है नहीं, आईएएस में आपको बता दिया हूं पहले ही, टोटल 2025 मार्क्स का होता है, आईएएस बनने के लिए कम से कम आपको कितना 1000 समथिंग 1050 1025 नंबर चाहिए, उतना मिला दीजिए तो काम आसान हो जाएगा, बात खत्म। बाकी उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट का बता दिया, उसमें दिमाग मत लीजिएगा, हिंदी ही डाल लीजिएगा, मैं पहले बोल देता हूं गारंटी के साथ, समझ में आ रहा है, वो अचीवेबल है, और जो प्रीलिम्स के बाद जो मैंने बोला मेंस की जिम्मेदारी में बार बार बोला हूं, मैंने लिए रखा है, प्रीलिम्स आप निकालो मेंस हम निकालेंगे, एकदम झंझट नहीं करना है कुछ, तो आप उतना कर लीजिएगा। इसमें कमाल का बात चेंज हुआ है, जैसे कोई आदमी डिसेबिलिटी नहीं होता है कान से नाक से आंख से जो भी,
कुछ डिसेबिलिटी फैक्टर में इस बार रियायत कम किए गए हैं, क्योंकि कुछ लोग जानबूझ के लड़ाई में कान फोड़वा लिए, समझ में आ रहा है, लड़ाई में कान से सुनाई नहीं दिया और उसको डिसेबिलिटी करके वो नाम पे कर दी, तो उसमें कैटेगरी भी किया हुआ है। तो बहुत जन कहता है कि ठीक है तुम भी कान फोड़वा लो, तुम भी आईएएस बन जाओगे। तो ये बहुत जन बहुत लोग कांड किए हैं ऐसा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्टेटमेंट में बोला है। तो कुछ सख्ती की गई है कि भैया सबको छूट ना मिले, कोई भी आदमी है, अब नहीं तो पता चले उसकी तरह हो जाए पुष्पा की तरफ, पुष्पा समझ रहे ना, सीधा नहीं चल रहा, टेढ़ा चल रहा इधर साइड, वर्टिकल की जगह पे हॉरिजॉन्टल चलना शुरू कर दिया, क्यों, क्योंकि कोड़े मारे गए तो उस तरीके का कोई पिटा उठा के। और अरे बहुत लोग कर दिया भाई, बहुत लोग जानबूझकर आई और इन सब चीजों में गलत तरीके से कुछ बढ़ा के मैनिपुलेट किया गया। बाकी इसमें और ज्यादा जरूरी है नहीं, इतना अपन देखेंगे नहीं। बस एक चीज याद रखिएगा कि करंट अफेयर का सेक्शंस का इंपॉर्टेंस बहुत कम हो गया है 2024 से 25 तक, काफी कम। तो आपको निवेदन ये थ्योरेटिकल पार्ट खत्म करना है, हम स्टार्ट करते हैं 2A2 वापस से, थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर आगे कल देखते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को मैंने टॉबिन टैक्स जिक्र किया था, टॉबिन टैक्स याद नहीं है, अभी याद करवाते हैं। जरा देखना, सरचार्ज और सेस याद है ना, अभी याद करवाता हूं टॉबिन टैक्स। ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम बताया हुआ है आप लोगों को, कैपिटल गेन टैक्स बताया था, कैपिटल गेन टैक्स नॉन एग्रीकल्चर पे लगता है कि एग्रीकल्चर पे लगता है, अरे नॉन एग्रीकल्चर पे लगेगा ना कैपिटल गेन टैक्स, एग्रीकल्चर पे लगेगा भैया, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ ऑलरेडी बताया हुआ है आप लोगों को कैपिटल गेन टैक्स, जब मैंने बोला था घर वगैरह बेचोगे उस बेसिस पे लगेगा, नॉन एग्रीकल्चर वर्ड दिमाग में रहना चाहिए। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बताया था आपको कि कैसे काम करता है और क्या चीज करता है, ठीक है ना, चलो अगर याद है तो ठीक है। इक्वलाइजेशन ले भाई, ये वही वाला जिक्र है जो मैंने आपको बताया कि जान हम लोग परसेंटेज उतना रखते हैं ताकि काम जो है आसान हो जाए। एक बात आपको बोलना चाहता था मैं, उस दिन शायद मिस्टेक हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ, मुझे चूंकि याद आ गया अभी। देखो ये जो इक्वलाइजेशन लेवाई है ये फाइनेंस एक्ट 2016 के तहत बनाया गया है, मेरी बात समझना, मेरी बात समझ रहे हो। और अगर हम बात करते हैं इस वाले की कॉरपोरेशन टैक्स, ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत बनाया गया है, क्या सुन पा रहे हो। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको बोला था देखने के लिए, मुझे जहां तक ध्यान में, पता नहीं मैंने उस समय बनवाया था नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ ये क्वेश्चन ये दिख रहा है, ये जोर से बोलो ना, तो विथ रेफरेंस टू इंडियाज डिसीजन टू लेवाई एन इक्वलाइजेशन टैक्स ऑफ 6% ऑन ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज ऑफर्ड बाई नॉन रेसिडेंट एंटिटीज फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब आपसे इक्वलाइजेशन लेवाई पूछ रहा है, सुन पा रहे हो। अब भी जरा अभी बनाना तो कौन सा होगा, क्योंकि पिछला बार जो आपने बनाया था मुझे जहां तक ध्यान में है ये आपने इसको सही मारा था ऑप्शन वन को कि नहीं इनकम टैक्स के तहत आता है, लेकिन गलत है क्योंकि ये किसके तहत बनाया गया है, इक्वलाइजेशन भाई फाइनेंस एक्ट के तहत ना कि इनकम टैक्स के तहत, अरे भैया समझ पा रहे हो। और इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं सारा गेम टेबल का है, देखो यहां इक्वलाइजेशन लेवाई ऑन एसपी कौन बनाया, अंडर दी फाइनेंस एक्ट, अगर हम कॉर्पोरेशन टैक्स की बात करते हैं तो अंडर दी इनकम टैक्स, कि तुम्हें समझ में आया पहले थे। उस दिन जो आंसर बताए थे आप लोग मुझसे बहुत लोग गलत बताया था, मैंने भी ध्यान दिया नहीं, फिर मैं बोला मैं यहां से जब जाता हूं और बाइक पे जाता हूं तभी दिमाग में गुथिया चलने लगता है कि क्या उसमें कहां गड़बड़ हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, क्या मेरे बात समझ में आ रही है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब पहला गलत है तो पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा, पहला गलत यानी कि वन तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, जो बोला तो या तो बी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है डी, यही हो सकता है। तो जरा इसको पढ़िएगा, तो इसके हिसाब से नॉन रेसिडेंट इंटाइटल्स
sorry, entities that offer advertisement service in India can claim a tax credit in their home country under the double taxation avoidance agreement. ध्यान से समझना, वो कर तो सकता है लेकिन यहाँ पे कुछ अलग प्रॉब्लम है. अभी के लिए जहां पे भी है पेज नंबर के हिसाब से इसका आंसर, यूपीएससी में एक कुछ साल का क्वेश्चन टफ था, इसका आंसर पहले लिख लेना डी. लिख लो पहले, मैं जानबूझ के बता रहा हूं, पेज नंबर लिखकर उसका आंसर लिख लेना डी, क्योंकि चांसेस ये है. मैंने बोला इसी पे जिक्र चल रहा है और इसी के कारण ग्लोबल मिनिमम टैक्स भी लाया गया और इसीलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंस है. तो ग्लोबल मिनिमम टैक्स और सबकी बात करें, इसका आंसर लिखना, क्योंकि बहुत हल्ला हो मचाया गया था इस क्वेश्चन के लिए. तो कुछ लोगों का कहना था कि आंसर बी होगा, कुछ लोगों का कहना था कि आंसर डी होगा, और यूपीएससी ने अपने आंसर की में आंसर डी दिया था. तो लॉजिक ये है कि ये जो हम बात बोल रहे हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ये अलग चीज है, और जो यहां पे हम बोल रहे हैं कि इंडिया कैन क्लेम ए टैक्स क्रेडिट इन देयर होम कंट्री, हम मतलब जो कंट्री इंडियन गवर्नमेंट, अगर मान लो इंडियन कंपनी रजिस्टर्ड है इंडिया में, वो अगर कहीं जा रहा है तो जहां पे वो जा रहा है वहां से आकर वो क्लेम नहीं कर सकता है वापस से, बल्कि वो वही का सिर्फ वही देगा या यहाँ का सिर्फ यहां देगा, एक जगह पे देगा. ये नहीं कि पहले वहां दे दिया और फिर क्लेम करेगा. मेरे बात समझ में आ रही है? मतलब डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट ये कहता है कि आप किसी एक जगह पे ही टैक्स देंगे. उसमें ऐसा नियम नहीं है कि हमने आपको टैक्स दे दिया और हम वापस आकर फिर क्लेम करके ले रहे हैं. बहुत जटिल प्रोसेस हो जाएगा. जैसे अभी थोड़ी देर पहले शुरुआत में मैंने बताया था आईटीसी, और अभी बताया था इनपुट टैक्स क्रेडिट. मतलब मैंने बोला कि आप गाड़ी खरीदे, आप उस पर 25,000 टैक्स दे दिए और 25,000 टैक्स वापस आप आए, आपने क्लेम किया, वो पैसा आपके खाते में इनकम टैक्स ने भेज दिया. मेरे पास समझ में आ रही है? दैट इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि आप इंडिया में ही हैं, इंडिया में सब कुछ कर रहे हैं. लेकिन ये जो है याद रखिएगा कि उसका आंसर दिमाग में रखिएगा, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा था तो आपको सही पता होना चाहिए. तो फाइनेंस एक्ट के तहत बनाया इक्वलाइजेशन लेवाई या इनकम टैक्स के तहत, फाइनेंस एक्ट के तहत बना, ये दिमाग में रखिएगा. बाकी इसमें जो भी चीज था वो सब ठीक था, कोई दिक्कत नहीं. अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं फटाफट अपने काम पे, और वो है टू ए टू सीक्वेंस में आ जाते हैं. चलो, जितना छोटा छोटा चीज था थोड़ा बहुत दिखा लिया, थोड़ा बहुत समझा लिया, अब हम लोग अपने रिदम में वापस आ जाते हैं. चलो जी, तो मैं इसमें एक आपको बहुत ही बढ़िया चीज बताने वाला हूं, और वो बढ़िया चीज है ये. देखो, इसमें एक शब्द है एड वैलोरम. एड वैलोरम मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू. ध्यान से समझना, ये शब्द पूछता है इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चन में, बहुत बार पूछा है इंग्लिश लिटरेचर में. क्वेश्चन पूछता है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वो पूछता ही पूछता है ना, ईपीएफओ में पूछता है, बहुत जगह पूछता है. तो एड वैलोरम जो है, ये जो है वर्ड, ये वर्ड ग्रीक का है और इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू वैल्यू, मतलब वैल्यू के अनुसार किसी चीज को प्रायोरिटाइज करना. तो ये है एड वैलोरम, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू. समझ में आ रहा है? अब उसके बाद है यहाँ स्पेसिफिक टैक्स पर यूनिट. ये वैल्यू के अकॉर्डिंग मतलब क्या है कि भैया आपने जितना यूज किया उसके हिसाब से आपको मिला. जैसे फॉर एग्जाम्पल, टैक्सेस बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ समथिंग. एग्जाम्पल, 35% कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट ऑफ ऑरेंज जूस. सो इफ जूस प्राइस एट ₹1000 इंपोर्टेड, देन ₹350 एज टैक्स. लेकिन स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है, किसी पर्टिकुलर चीज पे लगाते हैं, और वो पर्टिकुलर चीज पे लगाते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए सिगरेट वाले पे बोला हमने, सिगरेट वाले पे हमने बोला कि इस पे स्पेसिफिक टैक्स क्यों है, क्योंकि जो उस पे, तो अच्छा मुझे बताओ, जो सिगरेट पे जीएसटी इंक्लूडेड है कि नहीं है? वो सब है, उसके अलावा भी सिगरेट पे एक्स्ट्रा चार्ज है भाई. और सिगरेट पे इतना एक्स्ट्रा चार्ज होने के बावजूद भी बिकता है, लोग पीते हैं. समझ में आ रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट को उधर से जो बेनिफिट मिल रहा है वो ज्यादा मिल रहा है. तो गवर्नमेंट से जब कोई क्वेश्चन पूछता है तो गवर्नमेंट कहती है, देखिए हम तो फेफड़ा का फोटो तो लगवाए दिए हैं सिगरेट पे, उसके बावजूद भी कोई आदमी फेफड़ा अगर जलाने के लिए चालू है तो हम क्या करें? हमारा काम है सोशल अवेयरनेस वाला नाम कर दिए. मेरी बात समझ में आ रही है? अब पान गुटखा का बिजनेस जितना बड़ा चल गया, उतना बड़ा बिजनेस तो आजकल एजुकेशन का नहीं है. बिमल का, रजनीगंधा, पता नहीं और कौन कौन गंधा जो भी है, ये गंधा इतना गंदा हो चुका, आप समझ के देखिए, पूरा फैल चुका है. और लगभग हर मतलब ठीक ठाक बेकार बेकार आदमी चाबू चाबू चबाते रहते, इधर पच पच इधर उधर करते रहेगा. बहुत लोग दिन भर अपने मुंह को शांत रख ही नहीं सकते, वो कुछ ना कुछ कॉन्टिन्यूस चबाते रहेंगे. समझ में आ रहे है? और इसलिए आप देखिएगा तो पहले एक एक दो रुपए में चीजें मिलता था, अब धीरे धीरे सबका प्राइस ₹10, ₹20, ₹25 तक हो गए हैं. और उसमें भी लोग का स्टैंडर्डाइजेशन डिसाइड कर, हाँ रजनीगंधा खाई ले, ₹25 मिल रहा है, तुका खाता रहा बीमल ₹1 वाला. समझ पा रहे?
ये भी एक बहुत बड़ा जो है पंगा है, विमल शायद 1 रुपए में नहीं मिलता आई थिंक, हाँ देखिए 5 रुपए मिलता है तो लॉजिक कहने का क्या है कि 5 रुपए में, यानी कि मिनिमम बिस्किट से ज्यादा प्राइस लगभग हो गया है या उसके बराबर हो गया है, जो कि बहुत जबरदस्त जो है ये डिक्लाइन कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी क्या है धूमधाम से लोग खा रहे हैं। तो खैर हम आते हैं थोड़ा सा ऊपर और समझते हैं चीजों को। तो प्लीज आपसे निवेदन है आईएस बन जाए उसके बाद खाइएगा, क्योंकि वो स्टाइल बन जाएगा उसके बाद। अभी खाइएगा तो सब आपको पता है क्या कहेगा, बहुत सारा वर्ड आता है, आपको भी आता है और सारे गांव के लोग भी जानते हैं कि फलानवा का बेटा हो गया इनका, तो वो जो बोलता है वो आपके स्टाइल में बोलता है। जैसे अभी जितने सारे लोग सरस्वती पूजा मना रहे हैं उसमें से हर कोई क्या बोलता है, एक नहीं पढ़े वाला हवन सो आप सब पढ़िया थोड़ी है, सब बोलता है कि नहीं बोलता, बोलता है। और इंटरेस्टिंग बात जानते हैं क्या है, गार्जियन लोग एक नहीं बोलते हैं कि पढ़े वाला हवन सा ना, और जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो और उसके अंदर वो बस इसलिए नहीं वहां तक जा पा रहा है क्योंकि उसके फैमिली उस पर रिस्ट्रिक्शन बनाए, सर मन उसका नहीं है, मन उसका भी है कूदने का, लेकिन वो वहां तक जा नहीं पा रहा है क्योंकि फैमिली बोले जा उबारू हो गल ओकरी सबके साथ रह अपना स्टेटस देख, इसलिए नहीं जा रहे हैं, अन्यथा ऐसा नहीं है कि इनका मन नहीं कर रहा, अब समझ पा रहे मन कर रहा है बस दबाव में रुके हुए। इसीलिए मैं बोलना ये चाहता हूं आपसे कि वो जो नाच गा रहे हैं सच बात है हार्डकोर फैक्ट है, मैं कितना भी बोलूं क्या फर्क पड़ता है, वो सब बन जाएगा मिनिस्टर्स और उसके अंडर आप खटिएगा, ये भी सच है। क्योंकि देखो कितना भी कुछ कह लो वो मैनेजमेंट कर रहा है ना भाई, कि कहां से लाया डीजे, कहां से लाया वो टेंट, किससे कैसे मैनेज किया, कम पैसे में क्या किया कैसे किया, वो आसान बात नहीं है। पढ़ना तो इजी है कि आप रूम में बैठे हो किताब आपके सामने आप पढ़ रहे हैं आसानी से दिमाग ही लगा रहे, लेकिन वो मैनेजमेंट करना डिफिकल्ट। इसीलिए नेतागिरी हर किसी के बस का भी बात तो नहीं है, आपको इच्छा हो सकता है लेकिन हर कर नहीं सकते आप, क्योंकि फालतूगिरी ज्यादा करना होता है ना, आम आदमी जरूर बोल देगा बोल देगा फट से। जैसे 14 फरवरी में कुछ दल लोग निकले थे कि हम पार्क में जाएंगे और देखेंगे कि कोई कपल हो, बताइए इनका वही काम रह गया है। मैं कितनी बार बोला हूँ कि फालतू का दल लोग ये सब काम है कि नहीं मिल पाई, कि हम शहीद को याद करवाना चाहते, बताइए याद करवाएंगे शहीद को, ये वही लोग हैं जो अपना खुद ये काम करते हैं। लेकिन वही बात है कि ये सब यही करते करते नेतागिरी में आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि आप सिर्फ पढ़ रहे हैं आप मैनेज नहीं कर रहे हैं तो आपको उनके अंदर खटना पड़ जाएगा, पॉइंट यही है। और ऐसे बहुत लोग जो बने हैं आप देखें, कल को रोड छाप था और आज जो है एक बढ़िया बढ़िया मिनिस्टर के पोस्ट पे बैठे हुए हैं। खैर अब हम आते हैं अपने काम पे। तो पहला है इनडायरेक्ट टैक्स के टाइप, ध्यान रखिएगा सिगरेट पे ज्यादा टैक्स लगेगा या फिर किसी नॉर्मल चीजों पे ज्यादा टैक्स लगेगा, सिगरेट पे। और उसका एकदम इसलिए सरकार चाहती है कि ज्यादा टैक्स लगाए ताकि लोग ना पिए, बट साइकोलॉजी में वही होता है जितना आप रोकोगे उतना ज्यादा लोग करता है। दारू बैन जब से हुआ तब से आपको पता है ज्यादा दारू जो है, बस फर्क यही हुआ कि अब जो है ओपनली नहीं पीता है लोग, नहीं तो पहले टूल रहता था, जहां देखो कोई मोरी में पड़ रहा है, कोई नाली में, कोई गड्ढे में पड़ा हुआ, ऐसा मतलब हिसाब किताब। तो कम से कम वो चीज अच्छा हुआ है, उसका एक इम्पैक्ट अच्छा है, बाकी दारू बिजनेस कमाल का चल गया। नेक्स्ट है एड वैल्यूरम के अलावा, ये याद रखिएगा एड वैल्यूरम अकॉर्डिंग टू वैल्यू की अकॉर्डिंग टू द सब्सटेंस, अकॉर्डिंग टू वैल्यू, सब्सटेंस के अकॉर्डिंग जो जाता है वो स्पेसिफिक होता है, ये सब्सटेंस उसके अकॉर्डिंग, वैल्यू जो होता है वो होता है जनरली अलग अलग चीजों पर लगता है सिवाय सिगरेट अल्कोहल के। इनडायरेक्ट के मेरिट और डिमेरिट, पहले बताओ मुझे इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, बताया तो था डायरेक्ट टैक्स क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली आपसे ले लेते हैं, जैसे इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे है कि भैया घुमा फिरा के लिया, अब बिस्किट के पैकेट पे आपको जो ले रहा है, तो जीएसटी डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, क्या सुन पा रहे हो, तो ये डिफिनेशन जरूर दिमाग में रखना। तो पहला पॉइंट अगर एग्जांपल याद रख लो ना प्लीज याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है इसमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है या कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है पूछता है। तो पहला मेरिट क्या है इनडायरेक्ट टैक्स का और डिमेरिट क्या है उसका ध्यान से समझिए, मेरिट और डिमेरिट। 30 सेकंड दे रहा हूं पढ़ो, क्योंकि आसान चीज है पढ़ो, इसमें एक चीज मुझे बताना है आप पढ़ लो उसके बाद बता लूंगा, खत्म करो इसको आज, खत्म कर लेते हैं, मात्र कितना पेज का है 30 पेज का है, आधा घंटा हमारे पास है, खत्म कर सकते हैं आसानी से। पढ़े कुछ समझ आया क्या, इसमें एक शब्द होगा इलास्टिक,
और क्वेश्चन एक बार में पूछा था कि डायरेक्ट टैक्स का इलास्टिसिटी ज्यादा होता है या फिर इनडायरेक्ट टैक्स का, तो अपने शब्दों में लिख लेना डायरेक्ट टैक्स का इलास्टिसिटी ज्यादा होता है, लिख लेना ये जरूरी है, डायरेक्ट टैक्स का इलास्टिसिटी ज्यादा होता है, इनडायरेक्ट टैक्स का कम होता है। बस आज थोड़ा ऐसा करेंगे फिर कल करेंगे, ठीक है ना। तो किसका इलास्टिसिटी ज्यादा होगा, डायरेक्ट टैक्स का कि इनडायरेक्ट टैक्स का? तो बहुत ज्यादा दिमाग में तो नहीं रखना है, लेकिन मैं बस एक छोटा सा एग्जांपल से इतना डायरेक्टली याद रखना। इलास्टिक मतलब क्या होता है, कि लचीलापन कितना ज्यादा है, सिंपल से बात है कि कितना फ्लेक्सिबिलिटी है, कितना लचीलापन है। तो डायरेक्ट टैक्स में देखो ज्यादा लचीलापन हो जाने के पीछे कारण है क्यों, मैंने बोला था अगर टैक्स देने का व्यवस्था बहुत आसान हो तो ज्यादातर लोग टैक्स दे पाएंगे, लेकिन अगर टैक्स देने का व्यवस्था टफ कर दो कि लाइन लगना है तो लोग देगा ही नहीं, कुछ समझ में आ रहा है। तो थोड़ा सा डायरेक्ट टैक्स में ऐसा मैं बोलूं कि मेरे को 20 रुपए दे देना, ठीक। अब मैं एक और बात बोल रहा हूं, एक काम करना, मैंने उस दुकानदार से लिया था कुछ रुपया, तुम उसको दे देना, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। दोनों में आसान कौन सा है, डायरेक्ट दे रहे हो तो डायरेक्ट, इसलिए उसका इलास्टिसिटी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि लोग उसमें इंटरेस्टेड होते हैं और आसानी से देना चाहते हैं। अब हम बोल दें कि मेरे पास आ जाओ वहां से, मैं बोलूं नहीं तो दूर उधर से घूम के उधर से उधर से होके आओ, वही सेम है। तो इलास्टिसिटी याद रखिएगा बस इतना कि डायरेक्ट टैक्स जो है उसका ज्यादा होता है और इनडायरेक्ट टैक्स का क्या होगा, कम होगा। क्या सुन पा रहे हो, आज थोड़ा ही पढ़ेंगे, 12 बजे से पहले चलेंगे, ठीक है, 12 बजे से पहले मुझे बता दीजिएगा। दूसरा है, कैन डिक्रीज हार्मफुल कंजप्शन बाय इंपोजिंग हायर टैक्स ऑन सिगार, अल्कोहल, सॉफ्ट ड्रिंक एंड फास्ट फूड। इनडायरेक्ट टैक्स पे अगर हम बहुत ज्यादा कर टैक्स लगा दें तो उसके कारण उसका यूज और कंजप्शन जो है कम हो जाएगा और उसके कारण जो है प्रभाव भी नेगेटिव बहुत ही कम पड़ेगा। तो लॉजिक कहने का क्या है कि जिसको पीना वो पीना है, लेकिन फिर भी जो भाई देखो सरकार, आप मुझे बताओ किसको बचाते हैं। मैंने बोला कि आप घर में ताला मारते हैं, मैंने बहुत बार एग्जांपल दिया है, वो चोर के लिए ताला मारते हैं या उन लोगों के लिए ताला मारते हैं जिनको आप चाहते हैं कि कोई घर पे आए तो उसको पता लग जाए कि ये नहीं है तो चुपचाप चला जाएगा। तो ज्यादातर जो चोर के दिमाग में आपके रहता है, तो सही बात बता दूं, वो हटा दो, वो तो छोटा सा व्यू है क्योंकि चोर के लिए कोई ताला आज तक बना ही नहीं है, मेरे पास समझ में आ रही है। तो पॉइंट क्या है, जो लोग पहले से एडिक्टेड हैं शराब के, सरकार उनको बचाना चाहती है या उनको बचाना चाहती है कि वो एडिक्ट ना हो। पॉइंट ये है, जो बचे हुए हैं उनको बचाओ, जो हो चुके हैं उनके लिए वो उसके ऊपर वो सिगरेट का और फेफड़ा का फोटो उसके लिए नहीं है, वो हरामखोर को क्या फर्क पड़ेगा, फेफड़ा को तो धुआं मार रहा है, उसका फेफड़े में से भी धुआं आ रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन अब आप और हम जैसे उस फेफड़े पे फोटो देखेंगे, जैसे एक प्रचार रहता है मेरा पति मुकेश आता है, समझ में आ रहा है, और वो जैसे ही आता है अधिकतर लोग इधर चेहरे में क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि आप अब उसको देखकर सहन नहीं कर रहे हैं तो आप अब जल्दी नहीं पीने जाएंगे। तो सरकार का भाई वो है कि भैया जो नहीं पीने वाले हैं उनको बचाओ, जो पीने वाले हो वो धूमधाम से देख रहा है, हाँ बोला मुकेश, वो आराम से देख रहा है, वो फेफड़ा का फोटो भी दिख रहा है, उसको बगल अलग में कर देख रहे देख, और बगल में देख नहीं पा रहे और वो आराम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे। तो लॉजिक क्या है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो लोग टैक्स नहीं देते हैं या टैक्स देते हैं उन सबसे अलग बात यह है कि कंजप्शन के लिए हम जानबूझ का टैक्स बढ़ाते हैं ताकि काम आसान हो जाए। सुन पा रहे, ओपन कर लेना, अचानक से हो गया ना इच्छु मंत्र गायब। चलो तो भैया ये बेसिक चीज है। अब एक टर्म है पिगुवियन टैक्स, मैंने पिछले क्लास में बोला था आपको पढ़ने के लिए, आप पढ़े वो अलग बात है, लेकिन फिर मैं बोलूंगा पेज नंबर 340 ओपन करिए, बस आज इतना ही करके चलेंगे, ठीक है। जीएसटी में कल डिटेल में पूरा खत्म कर दूंगा इसको, आज इसलिए शुरुआत कर दिया हूं कि आज शुरुआत नहीं करता ना तो बहुत जन कल अब्सेंट मत करिएगा कोई भी, मैं पहले बोल देता हूँ, कहे कि बहुत सबके दिमाग में चल रहा होगा कि कल थोड़ा सा रेस्ट ले लेंगे, पिटाई होगा, ध्यान से समझना, ठीक है। तो इसलिए कल मत करिएगा क्योंकि कल ये खत्म हो जाएगा। और अभी बड़ा हाँ 340 पिगोवियन टैक्स मिला भैया, पढ़ो उसको तेजी में, उसमें एक नाम मिल जाएगा आर्थर सी पिगु, तो देखो भैया इसका ज्यादा बाल की खाल खींचना नहीं है,
अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया कि जब हम किसी भी चीज पे उसको रोकने के लिए टैक्स बढ़ा देते हैं तो उसको एक अलग से नाम दे देगा पिगोबियन टैक्स। कुछ समझ में आ रहा है? तो अल्कोहल, सिगरेट या किसी भी चीज पे हम इसलिए टैक्स ज्यादा इंपोज किए ताकि लोग कंजप्शन कम कर दे और उससे वो प्रभावित ना हो, इसी को पिगोबियन टैक्स का नाम दे दिए। और ये चूंकि आर्थर सी पिगो के द्वारा दिया गया था तो उनके नाम पे, जैसे फिलिप कर्व मैंने बताया, जैसे मैंने एडम स्मिथ का नाम बताया था, याद है एडम स्मिथ ने चार दिया था ना इनकम टैक्स के लिए, एडर्ड ऑफ कैनन्स करके, कैनन ऑफ एक ऐसे की सहूलियत होना चाहिए, ज्यादा खर्चा भी नहीं होना चाहिए, टैक्स भी आसानी से आ जाए और टैक्स का जो है अमाउंट जो है फिक्स होना चाहिए, नहीं कि पहले 10% और बाद में 50% कर दिया। अरे पढ़ाया था ये तो, सारी इतना दिमाग रखना। नेक्स्ट है कस्टम ड्यूटी, बस यही करके आज छोड़ देंगे कस्टम ड्यूटी। तो मैं आपको 30 सेकंड दूंगा कस्टम ड्यूटी का डायग्राम, खाली देख लीजिए। देखो भैया डायग्राम से बहुत क्वेश्चन बन जाएगा ए टू जेड, उसमें छोटे छोटे चीज दिए हुए, बड़े बड़े चीज दिए हुए, बन जाएगा आसानी से। तो जरा देखो कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी पढ़ लिए। पहला बात, कस्टम ड्यूटी जो है लगता है वो कस्टम एक्ट 1962 के तहत, कस्टम एक्ट 1962 के तहत कह रहे आज पढ़ा हुआ, आज समझ आ रहे हैं, खत्म करके निपटेंगे। दूसरा, उसके नीचे देखो जरा, क्योंकि इसमें सारा कुछ अब डिटेल आ जाएगा, जैसे सरचार्ज सेस वगैरह पढ़ाया था ना, वैसे इसमें सब इंक्लूड हो जाएगा। तो मैं फिर भी 30 सेकंड दे रहा हूं। देखो चाइना पे, चाइना का फोटो दिख रहा है, कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट। तो कस्टम ड्यूटी क्या लगेगा, इंपोर्ट पे लग रहा है और एक्सपोर्ट पे लग रहा है, पहला बात तो ये दिमाग में रखना है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर चाइना जो है रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएटरी गुड्स, कच्चा माल, ये सब कुछ जो है मंगाता है, फिर फिनिश्ड गुड बनता है, और इफ शॉर्टेज और इन्फ्लेशन इंडिया भारत में तंगी, उसका एरो मार्क दिख रहा है कुछ, समझ में आएगा नीचे बताएंगे उसको। कस्टम ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट, निर्यात पर शुल्क। तो अगर एक्सपोर्ट कर रहा है रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएटरी गुड, उसके बाद तो सर वो जो है इंक्रीज, फिनिश्ड गुड वो फिर डिक्रीज, फिर इफ शॉर्टेज इन्फ्लेशन इन इंडिया। अब लॉजिक है इसको, कॉमन सेंस से समझोगे तो समझ में तो आसानी से आ जाएगा, बट मैं इसको बहुत अच्छे से एक बार बता देता हूं, ठीक है? अमेरिका होगा, टोपी पे देखो, टोपी पे दिख जाएगा उसके, चाइना वाले का झंडा लाल सलाम रहता ही है। सेस बताया था याद है ना, सरचार्ज सेस पढ़ाया था आपको, ठीक है? तो एक काम करते हैं, जरा इसको देखिए, फिर हम आएंगे कस्टम ड्यूटी पे, इसको देखिए 30 सेकंड के लिए, इतना ही रखेंगे आज, पता नहीं क्यों पूरा लग रहा है कि बहुत ज्यादा खींच रहा हूं मैं, तो खींचना नहीं चाहिए, बस उतना करते हैं फिर कल करेंगे, कोई लोड नहीं लेना है। पास्ट गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट, इस समझोगे तो समझ में आ जाएगा। पास्ट गवर्नमेंट इनका क्या क्या मेन था, प्रेजेंट गवर्नमेंट इनका क्या क्या थीम था, ठीक है? अब इसमें एक टर्म है एक्साइज ड्यूटी, जैसे एक्साइज ड्यूटी का बात आया तो सिंपल दिमाग में रखिएगा, एक्साइज ड्यूटी सब पे लगेगा या सिर्फ तेल उल पे लगेगा? तो ऑयल पर, जितना भी चीज है उस पर एक्साइज ड्यूटी पहले लगेगा, वो एक्स्ट्रा लगाया जाता है। दूसरा, अब उसके बाद फिर ये बॉन्ड हुआ और ये सारा कुछ, जैसे भारत पेट्रोलियम है ओएमसी। अब सर जहां पे भी सेल पेट्रोल डीजल एट चीप प्राइस, ये पहले का मेन था, वी विल गिव यू बॉन्ड ऑफ 20 इयर्स टेन्योर, यू कैन अर्न प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट टू कवर योर लॉसेस। अब ऐसा कुछ जो है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ये लोग भी देता है, लेकिन फर्क ये है वी विल हैव टू रिपे द बॉन्ड, वी कैन नॉट डिक्रीज टैक्सेस इन फुल। हम आपको बॉन्ड तो देंगे लेकिन हम जो प्राइस है तेल का वो घटाएंगे नहीं। एक काम करते हैं, इसको इतना रखते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। सुन पा रहे ध्यान से, ज्यादा उसको खींचते नहीं है, खींच के फालतू में बेकार नहीं करना है, बस आपसे देखो तो एक सरप्राइज बहुत बड़ा है, ईमानदारी से बोल रहा हूं, उसी के चक्कर में लेट हुआ। अभी किस दिन सरप्राइज मिलेगा मुझे भी नहीं पता, मैं गया था उसी के लिए उसको सरप्राइज को बुलाने ही, लेकिन वो पता नहीं क्या हो गया है, तो एक बार करेंगे। बाकी फिर आपसे निवेदन है कि आप 16 से 20 तारीख के टेस्ट के लिए रेडी रहिएगा, वो बहुत ज्यादा इजीएस्ट हो जाएगा, ठीक है ना? तो इतना रखते हैं, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, क्लियर है? तो फिर से अगर मैं थीम पूरा बात करूं तो थीम आपको क्लियर है, पूरा ए टू जेड थीम क्लियर है, उसको आसानी से समझ में रखिएगा।
फिर से मैं चिल्ला के बार बार याद दिलाते रहता हूँ, सीआरआर एसएलआर मत ढूंढना, क्योंकि बेसिक वही है। सीआरआर एसएलआर इज लाइक चावल दाल भुजिया और खाना टाइप, समझ में आ रहा है। और सेव और नारंगी हमेशा तो खा नहीं पाओगे, पिज्जा भी हमेशा खा नहीं पाओगे, इसलिए सीआरआर एसएलआर फिएट मनी लीगल टेंडर से आपका काम निकलेगा। इसलिए थीम वन और थीम टू अकेला इकोनॉमिक्स का 6 क्वेश्चन कवर करता है, 6 से 7, यानी कि अगर 10 से 12 क्वेश्चन पूछा उसमें से 6 से 7 दो थीम कवर करता है, और बाकी इसलिए आगे का थीम उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो कम से कम उस दो थीम पे कमांड कर लेना, बाकी कल मिलते हैं, ठीक है। तो आज बोर तो नहीं है ना, बोर हुए भी तो कोई बात नहीं, कल एक बार कवर अप कर लेंगे, कल आराम से खींचेंगे। तो कल मिलते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।